हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी इंडियन कोस्टल की तरफ से निकल के आई हुई है। ये रिक्रूटमेंट आपकी सबसे बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। आप इस वैकेंसी के लिए ऑल ऑफ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑनलाइन डेट से लेकर जॉब लोकेशन तक कम्प्लीटली बताऊँगी, जैसे कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस इसमें आपके क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, और अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ सीट की तो आपकी वैकेंसी बहुत ही अच्छे पदों पर निकाली गई है। और आपकी वैकेंसी कैटेगरी वाइज यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, टोटल पोस्ट आपकी कितनी है ये मैं आपको भी आगे वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्ट यानी कितने पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये वैकेंसी आपके 300 पदों पर निकाली गई है। और पोस्ट नेम यानी किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो नाविक जनरल डीजी और नाविक बेंच डीबी और यांत्रिक पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें आपका क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका है 1/2023। ऑनलाइन डेट आपकी क्या रहने वाली है, तो ऑनलाइन डेट यानी आवेदन प्रक्रिया, आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 8 सितंबर 2022 से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे। और कब तक भरे जाएंगे, तो 22 सितंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपकी लास्ट डेट 22 सितंबर 2022 है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस जो आपकी है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। एससी और एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, यानी उनके फॉर्म एकदम फ्री में भरे जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है, एज को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि आपकी जो एज है वो डीओबी जो आपकी एज की है वो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी कैंडिडेट की अलग दे रखी है। आपकी इसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी डीओबी के बारे में। जनरल कैंडिडेट की जो डीओबी है वो 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 मई 1998 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में आपकी डीओबी यानी आपका बर्थ होना चाहिए। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 1 मई 1996 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वालिफिकेशन में आपके क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन अगर जो आपने 10th 12th यानी 10+2 पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज है, यूआर यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड टोटल पोस्ट है, तो आपकी जो जीडी है पोस्ट इसमें आपके यूआर के लिए 87 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है, ओबीसी के लिए 48 है, एससी के लिए 32 है, एसटी के लिए 35 है। टोटल जो इसमें पोस्टें हैं आपकी 225 पोस्टें आपकी हैं। और आपकी डीबी पोस्ट के लिए, यूआर के लिए यानी जनरल के लिए 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है, एससी के लिए 6 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, और टोटल इसमें आपकी पोस्टों की संख्या 40 पोस्ट है इसमें आपकी। और आपकी यांत्रिक जो आपकी मैकेनिकल की पोस्ट है इसमें आपकी यूआर के लिए 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, टोटल इसमें आपके पोस्टों की संख्या 16 है। और आपके यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की जो आपकी पोस्ट है इसमें आपके यूआर के लिए 3 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट हैं, और टोटल इसमें आपके पोस्टों की संख्या 10 है। और आपके जो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपकी पोस्ट है इसमें आपके यूआर के यानी जनरल के लिए 4 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट हैं, एससी के लिए आपकी 1 पोस्ट है और एसटी के लिए आपकी 2 पोस्ट हैं, टोटल इसमें पोस्टों की संख्या 9 है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।